खड़ी चट्टान नीचे बहती अलकनंदा, बीच से गुजरते बाबा केदार के भक्त। ये सफर इतना आसान नहीं। बाबा केदार के दर्शन करना कितना मुश्किल है ये वो यात्री जरूर जान रहे होंगे जो घंटों तक हाईवे पर फंसे हुए हैं। एक तरफ बदलता मौसम तो दूसरी तरफ हाईवे पर लगा जाम यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। चार धाम यात्रा के शुरुआती दिनों से ही देखने को मिल रहा है कि यात्रियों की भीड़ चारों धाम में उमड़ रही है। भक्त अपनी आस्था का परिचय देने हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि यात्रियों की आवाजाही से गाड़ियों की संख्या भी ज्यादा होगी। चार धाम हाईवे की सूरत कई जगहों पर इतनी बुरी है कि घंटों तक यात्रियों की गाड़ी जाम में ही फंस रही है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी गाड़ियों की आवाजाही से पूरी तरह व्यस्त नजर आ रहा है। केदारनाथ जाने वाले यात्री धारी देवी से लेकर खांकरा तक लंबे जाम में फंसे हुए हैं। और जाम लगने की मुख्य वजह धारी देवी के नजदीक सिरोड़ बगड़ डेंजर जोन में भारी वाहनों की आवाजाही है। ऊपर से खड़ी और खतरनाक चट्टान तो नीचे से बहती अलकनंदा नदी के बीच गुजर रही सड़क में यात्रियों की जान हलक में आ रही है। और ये जाम एक दो किलोमीटर का नहीं पूरे 5 किलोमीटर का है। धूप और गर्मी से यात्री तरबतर हो रही हैं। हाईवे पर लगा लंबा जाम इस वक्त भक्तों के लिए मुसीबत बन गया है। सिरोड़ बगड़ में गाड़ियां इतनी धीमी रफ्तार से चल रही हैं कि हर यात्री परेशान हो गया है। वहीं जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी भरसक प्रयास कर रहा है। का कारण ये है कि बढ़िया बसें हैं या कोई ट्रक आ जाता बीच में तो उसको हम बारी बारी निकालते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है और इस कारण जो है ट्रैफिक की थोड़ा सा स्थिति है, ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। अदरवाइज ट्रैफिक बिल्कुल चल रहा है, जाम किसी की नहीं है, ट्रैफिक चल रहा है। 25 अप्रैल को बाबा केदार के धाम के कपाट खोले गए और तब से ही यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई और अब रोजाना हजारों की तादाद में भक्त बाबा केदार के दर्शन करने केदारनाथ पहुंच रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक 8.5 लाख भक्तों ने बाबा केदार के धाम में माथा टेका है। बदलता मौसम, बार बार का जाम भक्तों के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। वहीं सिरोड़ बगड़ जो कि डेंजर जोन है वहां पर भी पुलिस जवान लगातार जाम खुलवाने में लगे हुए हैं। 5 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे यात्रियों के पसीने निकल रहे हैं। ये हाईवे काफी संकरा और डेंजर है। इस हाईवे से गुजरते हुए गाड़ियों में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर भक्त घंटों तक जाम में फंसे हुए हैं, इसलिए ये सफर इतना आसान नहीं है। बाबा केदार के दर्शन के लिए शिव भक्तों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।